हे गाइस, कहते हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वालिटीज ऑफ अ सेल्समैन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, BCOS 186 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब्जेक्ट्स के लिए, तो उनके क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो नोट्स हमारे पास रेडी हैं, अगर आपको एग्जामिनेशन के लिए नोट्स चाहिए तो आप हमसे खरीद सकते हैं, बहुत ही सस्ते दाम पे आपको मिल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं क्वालिटीज ऑफ अ सेल्समैन के बारे में। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जो भी मैं अपलोड करूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो मायर एंड ग्रीनबर्ग के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये रहा मायर एंड ग्रीनबर्ग 2006 में इन देयर आर्टिकल पब्लिश इन द हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आइडेंटिफाइड फॉर अ गुड सेल्समैन टू बी प्रोसेसिंग द फॉलोइंग क्वालिटीज। तो अकॉर्डिंग टू मायर एंड ग्रीनबर्ग 2006 में जो है इनकी एक आर्टिकल पब्लिश हुई हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में, और इन्होंने कुछ कुछ क्वालिटीज बताई जो कि एक सेल्समैन के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला क्वालिटी है एबिलिटी टू फील। ठीक है, एम्पैथी वॉज आइडेंटिफाइज एज अ क्रूशियल क्वालिटी टूवर्ड बिकमिंग अ गुड सेल्समैन। अ सेल्समैन कैन नॉट सेल विदाउट द एबिलिटी टू गेन फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर थ्रू एम्पैथी। अ सेल्समैन मस्ट बी एबल टू सेंस द रिएक्शन ऑफ द कस्टमर एंड शुड बी एबल टू एडजस्ट इट्स रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन दोज रिस्पॉन्सेज। है ना, सो एबिलिटी टू फील का मतलब है कि एम्पैथी का मतलब होता है एक तरीके से फील कर पाना कि सामने वाला बंदा जिसको भी आप अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हो वो क्या सोच रहा है, या एक तरीके से इमोशनल रिलेशनशिप उसके साथ क्रिएट करना। ठीक है ना, और जैसा भी वो जवाब देगा उसके रिस्पॉन्स में आपको ऐसी बातें करना जो कि एक तरीके से उसको एक गुड सेंस ऑफ फीलिंग उसके अंदर भी पैदा हो, प्लस आपके अंदर भी हो। आप अगर इनबिल्ट उस तरीके के नहीं रहोगे तो आपके लिए भी वो दिक्कत है, है ना। तो एबिलिटी टू फील है ना कि बंदा क्या कहना चाह रहा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो एम्पैथी वाज आइडेंटिफाइड एज अ क्रूशियल क्वालिटी टुवर्ड बिकमिंग अ गुड सेल्समैन। एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए एम्पैथी को एक बहुत ही क्रूशियल क्वालिटी माना गया है। अ सेल्समैन कैन नॉट सेल विदाउट द एबिलिटी टू गेन फीडबैक। एक सेल्समैन कभी भी अपने सेल नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट को जब तक कि वो अपने अंदर ये एबिलिटी ना लेकर के आए कि उसको फीडबैक लेना है कस्टमर के पास से थ्रू एम्पैथी। है ना, आप अगर फीडबैक नहीं लोगे तो आप अपने अपने परफॉर्मेंस में और बेहतरी नहीं कर सकते हो, तो फीडबैक का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सेल्समैन मस्ट बी एबल टू सेंस द रिएक्शन ऑफ द कस्टमर। है ना, एक कस्टमर का क्या रिएक्शन है उसको सेंस कर पाना एक सेल्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड शुड बी एबल टू एडजस्ट इट्स रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन दोज रिस्पॉन्सेज। तो जो भी रिस्पॉन्स उनके तरफ से मिलेगा आपको अपने रिस्पॉन्स को उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा को कुछ और चाहिए और आप उसे कुछ और चीज पिच किए जा रहे हो, उसको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो है बात करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको समझाना होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी टू फील। नाउ नीड टू कॉन्कर, है ना, उसके अंदर ये सेंस ऑफ फीलिंग होनी चाहिए कि उसको कॉन्कर करना है, उसको अपने प्रोडक्ट को बाई हुक एंड हुक उसको बेचना है ना। पर ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी भी तरीके से बेच देना है, सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस बेचना है। तो देखो समटाइम्स मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब आप कुछ करते हो ना तो सामने वाले से आपको जो है अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, वो मना करता है या चीजें अच्छी नहीं है ऐसे वो बोलता है, तो आपको वहां पे अपना मोरल डाउन नहीं करना है, आपको कोशिश करते रहना है, उसको पिच करते रहना है, उसके उससे समझना है कि उसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए और उसको वैसा ही प्रोडक्ट ऑफर करना है। राइट, सो नीड टू कॉन्कर। The drive to get into sale through is another important quality of a good salesperson. Closing the sale must act a drive to enhance a salesperson ego. है ना? तो एक तरीके से आपका जो ego है वो एक बहुत ही vital role play करता है। अगर आपके अंदर ego नहीं है, अगर आप sale करना चाहते हो, आपके अंदर ego नहीं है, तो वो सबसे बेहतर है आपके लिए। अगर आपके अंदर ego होगा तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे, है ना? Also, failures must act as a trigger to greater efforts that bring success. है ना, और ये भी बोला जाता है कि अगर आप फेलियर होते हो, अगर आप किसी काम में फेल होते हो, तो वो आपके एक तरीके से आपके लिए एक ट्रिगर होता है वो, जिसकी वजह से आप और ज्यादा मेहनत करते हो और ज्यादा एफर्ट लगाते हो ताकि आप सक्सेस हासिल कर सको। ठीक है ना, सो नीड टू कॉन्कर जो फीलिंग है वो आपके अंदर होनी चाहिए जो कि इन सारी चीजों के कारण आती है। ठीक है, नीड फॉर बैलेंस। नाउ नीड फॉर बैलेंस, दिस कॉल्स फॉर सेवरल कॉम्बिनेशंस ऑफ एम्पैथी एंड ईगो ड्राइव। है ना, अब नीड फॉर बैलेंस का मतलब यहाँ पे दोनों है, आपके अंदर एम्पैथी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका ईगो ड्राइव भी होना चाहिए। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इन दिस सेंस अ सेल्समैन मस्ट पोजेस क्वालिटीज दैट डिस्प्लेज इट्स ईगो टुवर्ड्स क्लोजिंग द सेल येट
ऑल्सो कंटेन एम्पैथी टुवर्ड्स कस्टमर्स नीड्स एंड परसेप्शन। तो आपके अंदर ये ईगो भी होना जरूरी है कि आपको इस सेल को एक तरीके से कंप्लीट करना है, जो भी आप करना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो, वो आप कंप्लीट करो, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर एम्पैथी भी होनी चाहिए आपके कस्टमर को लेकर के, है ना। अगर आप सिर्फ आपके अंदर ईगो होगा, एम्पैथी नहीं होगी तो भी दिक्कत है, सिर्फ इस एम्पैथी होगी ईगो नहीं होगा तो भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो दोनों चीजों को होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस करने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम क्वालिटीज की बात करें तो इसके अलावा कौन कौन सी क्वालिटीज है, मैं थोड़ा सा पहले दाग लगा देता हूँ, आई मीन हाईलाइट कर देता हूँ। गुड लिसनर, रिजिलियंस, कॉन्फिडेंस, अ गुड, यहाँ पे कोई ये नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, सही रहेगा। तो देखो, गुड सेल्स पर्सन ट्रीट कस्टमर्स टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉक। एक अच्छा सेल्स पर्सन जो है वो सामने वाले को बोलने का मौका देता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तय करता है कि भाई वो भी बात करे, वो भी समझे चीजों को, ताकि उसको जो प्रोडक्ट लेना है वो उसके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले। सिर्फ आप ही अगर बोलते रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी, राइट। दोनों चीजों का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक अच्छे सेल्स पर्सन का मतलब है कि वो एक अच्छा यू नो लिसनर भी होना चाहिए, उसको सामने वाले बंदे को भी सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। सो व्हाइल द सेल्स पर्सन प्रोसेस द कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, इट मस्ट आल्सो प्रोवाइड टाइम फॉर द कस्टमर टू रिस्पॉन्ड। तो भले ही सेल्स पर्सन के पास यू नो एक तरीके से इसके पास कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी है, वो एबल है बात करने को लेकर के, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर ये भी होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को भी बात करने का मौका दो, उसके रिस्पॉन्सेस को भी समझो। तो एक अच्छा लिसनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से लिसन कर पाओगे तो डेफिनेटली आप उसके नीड के अकॉर्डिंग आप उसको जो है अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हो। रिजिलियंस, सो अ गुड सेल्स पर्सन शुड बी एबल टू एक्सेप्ट फेलियर्स विदाउट डिस्पेयर। रिजेक्शन शुड नॉट एक्ट एज लोज बट एज मोटिवेटर्स फॉर फ्यूचर, है ना। तो एक अच्छे सेल्स पर्सन को रेजिलियंट होना बहुत इंपॉर्टेंट। रेजिलियंट का मतलब एक तरीके से कि आपके अंदर एक तरीके से दोबारा बाउंस बैक करने का जो एक जज्बा है वो आपके अंदर होना चाहिए। देखो, हर काम में किसी न किसी को सफलता मिलती है तो किसी न किसी को फेलियर भी मिलता है, बट फेलियर आगे जाकर के सक्सेस नहीं हो पाता ऐसा कहीं नहीं लिखा हो गया है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो बार बार फेल करते हैं वो आगे जाकर के और बड़ा कुछ सक्सेस हासिल कर पाते हैं। तो रिजिलियंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि एक अच्छे सेल्स पर्सन का मतलब ये है कि उसको अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिना हताश हुए, ताकि वो एक तरीके से मोटिवेटर के रूप में काम करे, उसका जो फेलियर है वो उसके लिए एज ए मोटिवेटर के रूप में काम करे और वो अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाए और इन फ्यूचर में वो और अच्छा बन पाए। कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर कॉन्फिडेंस आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते, राइट। अ गुड सेल्स पर्सन इज सेल्समैन इज कॉन्फिडेंट इन कंट्रोल ऑफ इट्स सराउंडिंग्स एंड इन्फॉर्मेटिव। कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट्स इन द मैनर वन प्रेजेंट्स इटसेल्फ एंड देयर व्यूज, है ना। तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंट अगर आप रहोगे तो आप अपने सराउंडिंग्स को एक तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप कंट्रोल कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आपके यू नो बात करने के तरीके में, आपके काम करने के तरीके में नजर आना चाहिए कि आप कितने श्योर हो किसी चीज को लेकर के। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से क्वालिटी हो जाती है। अगला जो है, अ गुड सेल्स पर्सन मस्ट पोजेस द एबिलिटी टू एनालाइज कस्टमर्स मोटिवेशन एंड बिहेवियर। तो एक अच्छा सेल्स पर्सन वही होता है जो कि कस्टमर के मोटिवेशन को या उसके बिहेवियर को ठीक तरीके से समझ पाता है कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या लेना चाहता है, उसके लिए क्या जरूरी है, वो क्या आपसे कह रहा है, इस चीज को एनालाइज कर पाना और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको यू नो चीजें पिच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनालाइज करने की कैपेबिलिटी भी एक अच्छे सेल्स पर्सन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अ गुड सेल्स पर्सन मस्ट पोजेस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोडक्ट एंड शुड ऑल्सो टू बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट टू प्रोस्पेक्ट्स, है ना। एक अच्छा सेल्स पर्सन वही होता है जो कि जिसके पास प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होती है, जो कि अपने प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर पाता है अपने पॉलिसी होल्डर के या फिर अपने जो प्रोस्पेक्ट जो है, जो पोटेंशियल आपका बायर है उसके सामने, ठीक है ना। तो दीज आर द एसेंशियल क्वालिटीज जो कि एक अच्छे सेल्स पर्सन में होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। नोट्स लेने के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8101065300 पे। अगर आप ऑलरेडी सेकेंड ईयर पास कर चुके हैं और थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन में अभी आपके टाइम है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटी है हमारे पास, तो आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको मैंने ऑलरेडी बताया, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।